इलेक्ट्रिशियन क्या होना चाहिए, पर इलेक्ट्रिशियन वाली दिमाग वाली बीवी नहीं होना चाहिए। अभी आसिफ भाई ट्रॉली लेके खड़ा हो गया, तो मेरी क्या गलती पता, कैसा हाथ में पकड़ लेके जा रहे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो हम लोग की सवारी निकल चुकी है, तो हम लोग टैक्सी में इसके लिए बैठे हैं, टाइम बाद मिली है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल लाला सोपारा, तैबा को ड्रॉप करने के लिए। तैबा को ड्रॉप करने, तैबा आ तो जाती है, फिर छोड़ना बहुत भारी पड़ जाता है उसको, क्योंकि मुझे लेने के लिए मैं अकेली नहीं जाती हूँ, या तो आसिफ आते हैं और या तो जैसे लेते, या तो कोई ना कोई आता है मुझे छोड़ने के लिए, मैं अकेली नहीं जाती। ये दोनों लेने भी लोग कोई ना कोई आ ही जाता है, या तो कैसे लेते, या तो फिर हाँ चलेगा, या तो फिर कैसे लेते, या तो आसिफ के साथ ही आती हूँ मैं अकेली। हम जाते हैं उसको, और फिर बाद में हम लोग मिलते हैं वहाँ पर, ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पे ट्रैफिक इतना रहता है, बाजार भी आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे पूरा डेकोरेशन करा हुआ है मीनार मस्जिद के पास, रमजान की रौनक माशाल्लाह। रमजान की रौनक देखी, रमजान में आ जाना एक बार, नहीं आने मिलेगा, आ कोशिश करना। ये देखो पीछे भी किसी लाइट नहीं जल रही है, पर खाना चालू करके क्या कर रहे थे, मेरे लिए नहीं लेना, बच्चों के लिए ली थी, तुमने मेरे को थोड़ा थोड़ा, मेरे लिए लेना चाहिए ना, मैं सबसे बड़ी बच्ची ना, कब हुआ मैं हूँ सबसे बड़ी है ना मम्मा, मैं नमक वाला खाती हूँ ना। बस ऐसा सेटअप कर रहे, क्या कर रहे तीनों ड्रेम यहाँ पे ऐसा, देख जुगाड़ जुगाड़ खड़ी का है ना, हाँ हाथ में पकड़ने का टेंशन नहीं, यहाँ पे कौन था ये कारनामा, तीनों अपना अवतार ले रहे हैं, तीनों अपना अवतार ले रहे हैं। हम लोग पहुंच गए सोपारा, और आसिफ भाई अभी आ रहे हैं हम लोग को लेने, ये तैबा यहाँ पे फोन कर रही है, क्या कर रही है, चल जल्दी बुला आसिफ भाई को फटाफट फटाफट। यहाँ पे तीनों वेट कर रहे, इधर क्या कर रहे तुम लोग तीनों भी, वेट वेट भाई देखते हैं फिर हम लोग जाते हैं घर पे। आसिफ भाई आ चुके हैं, कैसे आसिफ भाई, लोग तुम्हारे पार्सल लोग आ गए, ये काम करो इसको रख दो, जाना है तो जाओ। अभी हम लोग थोड़ा घूमेंगे फिर जाएंगे ना। सो गाइस अभी घर पे जाते हैं। सो गाइस हम लोग का खाना पीना हो चुका है और आराम से अभी बैठे हैं गपशप लगाने यहाँ पर। मैं भी तो गपशप लगाने बैठे, तो यहाँ पे आसिफ भाई को तैबा को एक किस्सा याद आ गया, तो मुझे सुनाया था, तो मैं बोली क्यों ना आपको भी सुनाया जाए। तो तैबा क्या था वो सीन, मेरी है ना मम्मी की आदत कैसे है, यहाँ से यहाँ सामान सब बदलते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। तो आसिफ ने आ गए ना सुबह में, तो आसिफ को ना घर ऐसा मिले हुए सही से, मतलब बराबर जिधर से ले, शाम का आया और घर का पूरा डायरेक्शन चेंज। अच्छा, तो है ना मेरी बीच में बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं मम्मी के घर पे रहती, तो आसिफ ना बहुत गुस्सा चढ़ा था, गुस्सा आ गया था तुमको, तेरा कुछ सामान मिल नहीं रहा था, तो उन्हें क्या करे पता है, सब चीज है ना स्क्रू ड्राइवर पकड़ से ना सब चीजें फिट, हाँ सब ड्रिल मशीन का होल होल कर करके सब मेरा जो शोकेस था ये सब ना सब सीधा दीवार में फिट कर डाले। और फिर कबाड़ कैसे फिट करे था आसिफ भाई, कबाड़ भी सब सब जितने भी बॉक्स है ना वो सब, यहाँ तक कि पलंग, कबाड़ कैसा फिट हो गया, पलंग भी फिट कर डाले, पलंग पलंग को भी ड्रिल करके फिट कर दिया, बोला अभी तो हटा इधर से उधर करके, तब पता चले तेरे को बहुत अपनी अम्मी की स्टाइल मानने जा रही है। फिर क्या हुआ, फिर है ना मैं बोली आसिफ ना घर गंदा दिख रहा है, तो बोलते हाँ तू कल साफ भी कर लेना, घर चेंज भी कर लेना। अच्छा। ये आदमी इतने अच्छे से बोल रहे ना, तो कुछ ना कुछ काला कांडी जरूर है। हाँ। सुबह उठ गए थे मैं सबसे पहले वही काम चेक करके, कुछ हिल रहे के तो मैंने आसिफ हिल क्यों नहीं रहा, तो मैंने सब फिट कर दिया, मैंने इसको खोलने के कैसे, तो वो नहीं बताओगे वैसे पकड़ भी लेके जा रहा। अच्छा, पकड़ स्कूटर सब छुपा भी दिया और लॉक करके रख दिया, मालूम भी नहीं पड़े ऐसा, फिर क्या फिर परेशान हो गए, बोला अभी क्या करो, अभी उसको है ना अंदर से उसकी आत्मा है ना सफाई में थी, पर आत्मा अभी गया परमात्मा से मिल गए, मैं साफ करती थी एक साल, फिर दूसरे दिन इतनी बीमार पड़ती थी, फिर ना ऐसे चक्कर आ रही है, वो जो साफ करती थी वहाँ से बोलती थी ना, मतलब सब साफ एक साथ कर लेती थी ना,
फिर बीमार पड़ जाती थी, फिर दोनों मैंने बच्चों फीट इसकी वजह से ही किया था। ये जब भी ऐसा करेगी ना इधर उधर उथल पाथल चालू रहता उसका। हाँ। तो मैंने ना देखा उसको एक से दो बार, तो ये सब कर लेगी बिना ओवर लिमिट काम, फिर उसके बाद बीमार पड़ेगी। तो मेरे दवा खाने के बिल लंबे छोड़े बनाती है, बच्चे भी बनाते बाद में, इसके भी बनाते। तो वो तो घर में ऐसे होता ही है, जब काम हो जाएगा ना बहुत ज्यादा, एक साथ दरिया का पानी पीने जाएंगे ना तो होता ही है तबियत खराब। मगर जब नए करने लायक का काम रहेगा वो क्यों करने का, इतना हेवी कबाट उसके अंदर सामान रहते कपड़े रहते, वो अकेले हिलाती इधर से उधर इधर से उधर, फिर बोले मैं वो दर्द बहुत दे रहा है। मेरे साथ भी ना परेशान हो गए थे, बोले मैं मतलब वो हफ्ते हफ्ते ऐसा आते ना बीच बीच में मिलने, डॉक्टर भी पूछे बोले आप क्या करते हो ऐसा जो, मैं बोला ये पानी लाती है कपड़े धोती है सब करती है, तो बोले उससे तो नहीं होता, बोला नहीं उसके अलावा आगे तो सुनो। डॉक्टर बोले क्यों ये हर महीने में एक बार आती है दवा लेना मेडिकल वाला, और डॉक्टर बोले ये और ऐसे ना कुछ नहीं है, मेरे को मालूम सबसे पहले क्या देते वो थोड़ी पेन किलर वगैरह देंगे और नींद की दवा देंगे बस, और बोले ये जाओ तुम कल अच्छे हो जाओगे। सो गाइज इसीलिए बोलते हैं घर में एक इलेक्ट्रिशियन, तुम कारपेंटर होना चाहिए तो ये सब कारनामे हो जाएंगे घर के अंदर। मैं बताती हूँ इलेक्ट्रिशियन क्या होना चाहिए, पर इलेक्ट्रिशियन वाली दिमाग वाली बीवी नहीं होना चाहिए। सही बात है। इनमें ना एक बार है ना पंखा बनाए थे हम लोग, पंखा खराब हो गया था तो ना ये एसी बना रहे थे, तो मैंने उनसे पूछी कैसे बनाया था, ये वायर ज्वाइंट करा ये वायर ज्वाइंट करा, अभी दोपहर को मैं सो गई थी तो पंखा वापस रुक गया, ये थे नहीं मेरे फोन में रिचार्ज भी खत्म हो गया था, तो मैंने पंखा ऊपर से नीचे उतारी उसको टेप मारी सब करी, इन्हें जैसा करे थे ना वैसा सब करी। हाँ। पर मैं प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन तो हूँ नहीं, जितना आया उतना करी कर दिया। हाँ। तो वो पंखा भी देख ना बराबर है ना चला, अच्छे से चला, जैसे आसिफ ने ना पैर रखे ना घर के अंदर तो वैसी ना पंखे में से चिंगारी निकली डम 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 डम, पंखे को मालूम पड़ गया होगा कि मेरा इलेक्ट्रिशियन आ चुका है तो अंदर की जो है वो मेरी वायरिंग जो मैंने करी थी ना टेप पट्टी जो वगैरह सब करी थी इनका देखकर, तो उसकी वजह से ना वो कॉइल पूरी मैंने झला डाली थी। अच्छा फिर उसी को तकलीफ ना रात भर वैसे ही सोना पड़ा। नहीं 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 सोई थी, उन्होंने ना फिर बाद में हॉल कर ना पंखा निकाल के इधर लगाए थे। झूठ। उस दिन 8:30 थे तो मेरे को नया पंखा दिला, बोला अभी नया लेके आओ। तो ये ऐसा होता है सब घर के अंदर, तो यही सब हम लोग बातें करते बैठे हो, यहाँ पे इसकी अलग से फरियाद चल रही है। क्या फरियाद चल रही है? चटका बता। इसको अभी याद आया क्या वो बचपन में मेरे को चटका इधर लगा था हाथ में मम्मी की वजह से। हाँ तो इसको अभी रहते रहते याद आया जब मम्मी पापा फरियाद करने बैठे एक दूसरे की। तो अभी देखते हैं गाइस, अभी सो जाएंगे हम लोग बातचीत करके, उसके बाद अभी मिलते हैं सुबह में। सो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और हम लोग ने नाश्ता वगैरह कर लिए हैं। मैं इतना बोली थी इसको पोहा बना, मुझे पोहा और चाय खानी है तो पोहा नहीं बनाई, और है ना बोलती मेरी बहन बाहर से आई तो क्यों ना होटल से मंगाओ, से खिला दी मैंने नाश्ता। हाँ तो होटल से खिलाई, बोल रही ना बोल रही बाबा बोल रही, तो बाहर होटल से नाश्ता लेकर आए थे आसिफ भाई ने तैयार ने, तो फिर हमने खाई और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ जा रहे लेके जा रही थी तो अभी हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट, कुछ रमजान की इसकी भी शॉपिंग बाकी है तो बोले आज का दिन ही है तो शॉपिंग कर लो और तुमको भी कुछ चाहिए तो ले लो फिर बाद में हम तुम चले जाना, तो बोली ठीक है चलो डी मार्ट घूम के आते, तो मैं तैयबा और आसिफ भाई जा रहे अभी डी मार्ट में और फिर मिलते हैं। क्या पिला रही है? क्यों अगेन जूस? आसिफ बोला तेरी बहन बहुत पतली है फिलहाल। हां आसिफ भाई मैं पतली दिखती हूं कौन सा एंगल से? कमजोरी तो लग रही है। अच्छा कमजोरी लग रही है कि धूप लग रहा है? तो फिलहाल धूप लग रही है। आसिफ भाई तो बिना मेकअप के लाल लाल है देख, धूप के चक्कर में। तुमको छूट जो लेके जा सकते मुंबई तक वो ले। अच्छा फिर बाद में छोड़ने तू आएगी ना, फिर ऐसी कर ले तू मेरे को छोड़ना, फिर तू मेरे को छोड़ना। तो हम लोग गाइस आ चुके हैं मॉल के अंदर, ये ट्रॉली ले ली, ट्रॉली ले ली, इसके अंदर थैली के अंदर क्या डाली डीमार्ट की? ये बैग पैस कर। और आसिफ भाई कहाँ हैं? ये देखो ये अभी जा रहे हैं, अभी शॉपिंग बोर हो गए ना तुम? हाँ बोर हो गए ना, परेशान कर रहे तुम लोग तो वहाँ पे, तो वो शॉपिंग करना चालू ही है उसका, देखो उधर खर्चा करा रहे हैं एक नंबर। क्या खर्चा करा रहे हैं?
क्या ले रही है अभी तो? यहाँ पे आसिफ भाई कहीं रुक चुके हैं और मैं सब सामान टैबा को हाथ पे देते जा रही हूँ कि तू ये पकड़, तो ये कैसा पकड़ के जा रही है? क्या बोलती है? ट्रॉली सब डालती अभी आसिफ भाई ट्रॉली लेके खड़े हो गए, तो मेरी क्या गलती पता है? कैसा हाथ पे ऐसा देख खड़े आराम से किसी के साथ बात कर रहे थे, किसी के साथ चैट कर रहे थे, तो गेम खेल रहे हीना हीना के साथ। हीना तेवा, हीना कौन है? ये हीना मेहंदी है। यहाँ पे देखो सब लेके भाई वाइट कैसा घूम रही है, तुम ट्रॉली लेके आए की बाजू खड़े हो गए आसिफ भाई। एक बाजू खड़े रहना ही फायदेमंद है। नहीं चीटिंग है, जिम जाते तुम लोग इतना बिल कम करते भी आगे निकल जाएगा, देख लेना। जिम जाते तुम लोग इतना ऐसा करने का नहीं जाते, नहीं जाते, नहीं जाते, हम लोग जिम वाले नहीं है। अच्छा तो ऐसी लाइफ कराती, मतलब ऐसी लाइफ, नो फाइटिंग, कुछ भी नहीं करते। अच्छा हाँ, फाइटिंग तो हमेशा करते हैं। क्या बोलता है आसिफ भाई? सेवा क्या बता रहे? मतलब ये ले ले, क्या है, क्या है? उसको बोलते दिमाग, दिमाग मेरे पास तो बहुत है। देखे सबसे क्या करेगी, थोड़ा सा दिमाग बहुत है, तेरे लिए बोल रहे तू ले ले। कभी क्या ले रही? स्पून तो क्या देख रही? यहाँ पे घूमते रह रही, मेरे को कुछ लेने नहीं देंगी, है ना? खुद तो कुछ ले रही दीदी, मेरे को भी नहीं लेने देंगी। तो रुक जरा, शांति पकड़। अच्छा है ना? हाँ ये मस्त है। गाइस 199 का है यहाँ पर, 199 का बोली मैंने। इसके लिए मैं नहीं आता इसके साथ। तो यहाँ पे पैकिंग नहीं करी, और जान तो रमजान है तो भी चलता है, थोड़ा बहुत ज्यादा चलता है। दोनों अभी ये सब सामान जो है थैली में फटाफट भर रहे हैं। ये अच्छा काम कर रहा है, थैली का अलग चार्ज होता है ना आसिफ भाई? इधर थैली का 14 एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा काम की भी नहीं रहती थैली, सामान फटाफट 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 भर। हाँ पैसा दे चुके, जो भी चीज गिरेगी ना तो इसके नुकसान हो जाएगा। हाँ वो ध्यान रख के अपने को बना रहता है, वो लोग क्या आराम से भर लेते हैं ना, लॉक करके दे देते हैं। यहाँ पे टेबल, तेरी हालत खराब हो गई जी भाई, यहाँ पे आराम से उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो आदमी लोग रहते कि इसलिए सब सामान उठाने के लिए, तुम्हारा बोझ उठाओ, तुम्हारे सामान होगा बोझ उठाओ। तो वाइफ है, साली है, बाद में कोई अच्छा खाना। मैं अपने हाथ से भी अच्छा बना लेता हूँ। मैंने बोलने की बात है, अच्छा अच्छा इसलिए तो सुफियान भाई बोलते शादी करो, बहुत फायदे है, समझे ये फायदे। जो टाइम लगा शॉपिंग कर लेते हैं। अरे वाह क्या करके रखे तुम लोग दोनों ने, तीनों ने, सॉरी अच्छा से सजा। यहाँ पे ताला मारने का ये नतीजा होता है बाद में घर का, है ना मतिया?